अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुलकरनैन। वेलकम बैक टू द पॉलिटिक्स ऑफ 1990s। और घोड़े बेचने का दौर वापस आ गया। पार्लियामेंट के घोड़ों की बात हो रही है और इनको वापस कौन लेके आया? थैंक्स टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजी साह और उनका 5 रुकनी बेंच, जिन्होंने आज 63A का जो रिव्यू था उसमें दोबारा से उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो मेंबर पार्लियामेंट है वो किसी और पार्टी को वोट कर सकता है अगर वो अपने पार्टी के डायरेक्ट पार्टी हेड की डायरेक्शंस के अगेंस्ट भी जाएगा तो उसका वोट कंसीडर होगा। इससे पहले उमर अता बंदियाल साहब ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके 3 मेंबर बेंच ने ये डिसीजन किया था 2022 में कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट अपना फ्लोर क्रॉसिंग करेगा अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के किसी बिल को या किसी कॉज को वोट करेगा तो वो एवेंचुअली वुड स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। और ये ऐसा हुआ भी हमजा शहबाज के हवाले से, जब उनको वोट किया 25 एमपीएस ने पंजाब में पीटीआई के, तो वो डिस्क्वालिफाई हुए। उसके बाद इलेक्शन हुए, चौधरी परवेज लाई साहब बने चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली नेशनल असेंबली में भी कोई 20-22 के करीब पीटीआई के एमएनए टूट चुके थे, लेकिन चूंकि बाकी अलाइज पीएमएलक्यू हो गया, एमक्यूएम हो गया, बाय दैट टाइम उन्होंने वोट कर दिया था नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ, तो उनको उनका वोट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पेश आई थी। तो अब इसका जैसे कहेंगे आप कि ये क्यों इसकी जरूरत पेश आई, सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जुडिशियल अमेंडमेंट्स आ रही हैं आईनी तरमीम के लिए। गवर्नमेंट पहले जो है एक बड़ा फेलियर मीट कर चुकी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने उनकी उनका साथ नहीं दिया था। अब गवर्नमेंट दोबारा अटेम्प्ट करने जा रही है वो तरमीमी आईनी तरमीम लाने के लिए, और साथ साथ काजी फैजी साहब को 3 साल के लिए फर्दर रिटेन करने के लिए। तो फौरी तौर के ऊपर काजी साहब ने जो है 1 घंटे के अंदर अंदर जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने नाफज किया, इसके 1 घंटे के अंदर उन्होंने नई कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो है 2 केसेस लगाए, सबसे पहले 63A का और दूसरा उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग का। 63A का किस्सा पारीना कर दिया बैठते साथ ही, आल दो के उसमें 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हमने इसमें नहीं बैठना, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस काजी साहब वेंट अहेड विद हिज प्लान ऑब्वियसली, तो उन्होंने डिसीजन रिवर्स किया। अब बल्ले बल्ले हो गई शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की और उन लोगों की जो उनको जाहिर लेके आए हैं, बैक कर रहे हैं। तो अब इनके लिए जो मेजर हर्डल था कि पीटीआई के लोग तोड़ने, यानी कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को वोट करेंगे, काजी साहब की 3 साल की एक्सटेंशन को वोट करेंगे, तो वो बड़े आराम से जो है उनके वोट काउंट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच काजी साहब, बड़ा काम कर दिया आपने आज। गवर्नमेंट धमाले पा रही है, जुबिलेंट मोड में है, जाहिर है पीटीआई में सफ़े मातम है इस टाइम के, ये हुआ क्या है। इससे ऑलरेडी जो है पीटीआई अंडर प्रेशर है या अंडर फुल गवर्नमेंट माइट के अंदर है, जिस तरह से एट्रोसिटीज आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो जुल्म है गवर्नमेंट का वो बर्दाश्त कर रही है पीटीआई, क्योंकि हमने देखा हर जो इनका बड़ा लीडर है वो उसके ऊपर बेशुमार केसेस हैं, टेररिज्म से लेके नेम एनी वन, और बहुत सारे लोग जेलों में भी हैं। उसके अलावा फिर डंडा सोटा तो चल ही रहा है, उसके ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन जो इसमें मोस्ट कंसर्निंग या मोस्ट अनफॉर्चुनेट पहलू है इस डिसीजन का जो काजी साहब के 5 मेंबर बेंच ने आज दे दिया, वो ये है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी फिर से। 1990s में छांगा मांगा की सियासत हमने देखी है और शरीफ्स वर डैम गुड एट इट। तो पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को नाकुचने चुबवाए 90s में इस हॉर्स ट्रेडिंग में, घोड़ों की खरीदो फरोख्त में इनका एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली बाकियों से ज़्यादा अच्छा है। और अब हम देखेंगे कि पीटीआई के ये घोड़े खरीदेंगे मुंह मांगे दाम लेंगे पीटीआई के घोड़े भी कुछ, और कुछ को प्रेशर के साथ उधर किया जाएगा।
तो जो भी गवर्नमेंट अब आईनी पैकेज लेके आना चाहती है या उसके बियॉन्ड दैट किसी किस्म का भी कोई भी तरमीम, अब गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, क्योंकि सिर्फ कानून ही आड़े में था, कानून को उठा के बाहर फेंका ये इस वाले कानून को कि आप अगर फ्लोर क्रॉस करते हैं, दूसरी पार्टी को वोट करते हैं, तो आप स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, आप जो है वोट भी काउंट नहीं करता। तो वो मामला तो काजी साहब ने कहा भाई आई एम हेयर। और इसको अलावा जो पीटीआई इंटरप्रेट कर रही है कि काजी साहब ने ये सारा कुछ इसलिए किया है वो अपनी बका के लिए, उन्होंने भी 3 साल इधर रहना है, आगे सिस्टम का हिस्सा बनना है, उन्होंने ही आईनी कोर्ट का जो है सरबरा बनना है 3 साल के लिए। तो सारे मामला गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट से जो प्रोवाइड की जाएगी वो काजी साहब ही करेंगे। सो काजी साहब अगर नहीं रहते तो इनके लिए मुश्किल है। तो जो इतनी जल्दी अर्जेंसी में काजी साहब ने काम किया, लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं, नहीं, इनडायरेक्टली वो अपने आप को भी फेवर कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का हिस्सा है। इसमें तो कोई चीज सब ढकी छुपी रह नहीं गई, हर चीज राइटिंग ऑन द वॉल थी। एक दिन पहले भी आई वॉज टॉकिंग द वी लॉ के भाई ये डिसीजन आएगा या चाहे आज आ जाए आने वाले कल में आए, आना डिसीजन यही है। अगर इसके अलग हो तो ये ना ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आता, ना ही काजी साहब जो है बेंच फॉर्मेशन कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करते विद इन 1 आवर और करके अपनी मर्जी के जज उसमें बैठाते फैसला करने के लिए। तो काजी साहब को के पास अपने डिफेंस के लिए एज ए होल कुछ रह नहीं गया, मॉरली भी और अदरवाइज भी। अब वैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही चलता है कि बातें आप कुछ करें लेकिन प्रैक्टिकली आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट करें। और चूंकि पावर पॉलिटिक्स है, पावर स्ट्रगल है, तो इसमें जैसे हम सब कहते हैं कि लव एंड वॉर में सब कुछ चलता है, इसी तरह पावर पॉलिटिक्स में भी हर चीज जायज होती है। और पाकिस्तान में ये हम 70 साल से होता देखते आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली हाउ लॉन्ग हम ये देखते जाएंगे, तो ये हमारी बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली।